और मैं तो उन लोगों में से हूं, मैंने 2 सितंबर को कहा था कि भाई साहब आज की हार जीत इज नॉट लाइफ एंड डेथ, क्योंकि ये 2 सितंबर को जो शुरू होगा उसका अंजाम है 19 नवंबर। और मैं अभी भी मानता हूं ये 14 अक्टूबर का इंडिया पाकिस्तान अहमदाबाद मैच इज ऑल्सो नॉट लाइफ एंड डेथ, 14 एंड सेम गोज फॉर पाकिस्तान, सेम गोज फॉर देम यार। मैं यहां पे इंडिया को हराने थोड़ी आए हूं, वर्ल्ड कप जीतने आए हूं। मेरा ये मानना है कभी भी आप ये वार्म अप गेम से जज मत करो या उससे पहले के मैचेस में। दे वर ट्राइंग आउट कॉम्बिनेशंस एंड आई थिंक जिस दिन वो अपनी 11 उतारेंगे उनके पास डेप्थ, उनकी खून में अब डिफरेंट तरह की क्रिकेट है, वो डेंजरस रहेंगे। सुसाइड बॉम्बर, फट गया तो फट गया, आपके घर में फोड़ दिया बॉम्ब या अपने घर में फोड़ दिया उसका नहीं पता। ठीक है यार, देखो मैं एक बात बताऊं, यहां पे इंडिया में आके हम कहते हैं फलानी टीम ऐसी है, वो कह रहे हैं ऐसे है, छोड़ो ना जर्नलिस्टों ने तो जीतना नहीं है, ना राहुल ने जीतना, ना मैंने जीतना, ना पाकिस्तान के जर्नलिस्टों ने वर्ल्ड कप जीतना है, वो क्रिकेट की टीमों ने जीतना है। और अभी आप रुक जाए, आई थिंक कभी कभी क्या होता है ना, वक्त से पहले इंसान को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, चुप रहना चाहिए। और मैं तो उन लोगों में से हूं, मैंने 2 सितंबर को कहा था कि भाई साहब आज की हार जीत इज नॉट लाइफ एंड डेथ, क्योंकि ये 2 सितंबर को जो शुरू होगा उसका अंजाम है 19 नवंबर। और मैं अभी भी मानता हूं ये 14 अक्टूबर का इंडिया पाकिस्तान अहमदाबाद मैच इज ऑल्सो नॉट लाइफ एंड डेथ, मतलब इट इज नॉट लाइफ एंड डेथ। अगर इंडिया ने वर्ल्ड चैंपियन बनना है, दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच, वन अनदर गेम, और दैट्स इट। और अगर आप फाइनल खेलते हो दैट विल बी अ बिगर इंपॉर्टेंट, मतलब मोर इंपॉर्टेंट मैच देन ये जो आपने अभी तक पाकिस्तान के साथ खेल लिए हैं, या फिर आपको 14 को जो खेलना है। सेम गोस फॉर पाकिस्तान, सेम गोस फॉर देम यार। मैं यहां पे इंडिया को हराने थोड़ी आए हूं, वर्ल्ड कप जीतने आए हूं, वैसे वर्ल्ड कप जीतने आए हैं, सही बात है। पाकिस्तान को पता नहीं, खैर मुझे हो सकता है वहां पे उस तरफ लोगों को लगता होगा कि यार मैं बड़ा क्रिटिकल हूं, पर मैं थोड़ा सा ना मैं कोशिश करता हूं मैं आईना दिखाने की, जो मुझे लगता है, हो सकता है मेरा असेसमेंट ही गलत हो, हो सकता है मेरा असेसमेंट गलत हो। मैं पाकिस्तान को एक अच्छा टीम, अच्छी टीम मानता हूं, बट मुझे पता नहीं क्यों उस टीम से ना वो जो वो होता है कि किलर इंस्टिंक्ट तो चलिए ठीक है, मतलब वो ना जिसे बोलते हैं कि यार ये टीम ही अलग है, मतलब ये पता नहीं क्या कर सकते हैं, मतलब वो होता है ना यार इनके पास, जैसे हम ऑस्ट्रेलिया के लिए बोलते थे, इस इंडियन टीम के लिए मैं बोलूं यार हमारे पास विराट कोहली है, विराट कोहली मतलब पिछले 10-15-20-25 साल में बाबर आजम और विराट कोहली में बहुत बहुत बहुत, मैं तो कह रहा हूं विराट कोहली जैसे कोई नहीं, विराट कोहली जैसा दुनिया, बाबर आजम, तो ये कह रहा हूं मैं, अब मैं आज की डेट में वही पूछ रहा हूं। अभी आपने देखो शुरुआत में ही क्या किया था, आपने कुछ नाम गिनवाए, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, ठीक है, ये कुछ ऐसे नाम है खुशी जो आज की डेट में कोई भी दुनिया की कोई भी टीम खुशी खुशी चाहेगा कि मेरी टीम में आ जाए, मेरी टीम से खेले। आप मुझे बताओ पाकिस्तान का एक प्लेयर जिसको आप ले सकते हो अपनी टीम में, और लोगे तो आपको ये भी देखना पड़ेगा आप किसकी जगह लोगे। वही सर मैं ये कह रही हूँ कि ले तो लेंगे, चलो ठीक है, पर मैं मानता हूँ बाबर आजम बहुत अच्छा प्लेयर है, बाबर आजम इज अ वेरी गुड बैट्समैन बट ही इज नॉट अ ग्रेट बैट्समैन। बाबर आजम को अभी हम विराट कोहली जो शायद से जब हम ग्रेटेस्ट की लिस्ट बनाएंगे ना उसमें हमको विराट कोहली को डालना पड़ेगा, पता नहीं किसकी कुर्बानी देके डालना पड़ेगा। बाबर आजम को अभी पाकिस्तान के ग्रेट्स में आना है, उसके बाद दुनिया की ग्रेट्स में आएंगे। आपके पास रोहित शर्मा है, वन ऑफ द मॉडर्न डे ग्रेट्स इन ओडीआई क्रिकेट। रोहित शर्मा मतलब ऐसी फूटी फूटी फॉर्म जो हम बोलते हैं उसको लेकर भी उनकी, अगर आप पिछले 1-2 साल देखो तब भी उनकी 40-50 की एवरेज होगी, उन्होंने रन बनाए हैं। जस्ट दैट क्या होता है, ये वो रोहित शर्मा नहीं दिख रहे जो हमें पहले, क्योंकि क्या होता था रोहित शर्मा जैसे ही 90 के आसपास पहुंचते थे ना या 50 भी क्रॉस करते और जी 200 आएगा, तो लोग पहले ही शुरू करते थे जी 200 आएगा। लेकिन बाबर आजम की तो अगर हम इंडियन टीम की बात करें, विराट रोहित तो दूर की बात है, इवन केएल राहुल के साथ ही मैं कहता हूं कंपैरिजन, केएल राहुल में काबिलियत है, बाबर में भी बहुत काबिलियत है। बाबर का नाम इसलिए है क्योंकि वो कंसिस्टेंसी से रन बना देते हैं। आप अगर बाबर को क्यों जज करते हो भाई, 100 मैच में 1900 है, 200 है, 50 का एवरेज है। केएल राहुल को कैसे जज करोगे, 100 मैच में जी उनकी तो 30-35 की एवरेज है। तो एक कंसिस्टेंसी भी ऐसी की है जिससे बाबर ने मार्केट में अपना नाम बड़ा किया है, लेकिन उतना बड़ा नाम नहीं बड़ा किया कि यार वो विराट या रोहित के साथ कंपेयर। मैं दीपक का चॉइस ऑफ वर्ड्स मार्केट में उसने नाम बड़ा किया, शोएब अख्तर ने बोला था ना एक बार, अच्छा ये ब्रांड ब्रांड नहीं है यार, ये लोग ब्रांड नहीं कर सकते, मेरे पास भेजो बाबा राव मैं बना। ब्रांड देखो पाकिस्तान के बड़े ब्रांड्स में शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वका यूनुस एंड इंजमाम, हालांकि नहीं इंजमाम को मैं वो बेचारे अपने आप को ब्रांड, ये तीन ही मिसबाह उलक पाकिस्तान में वसीम अकरम, शोएब अख्तर, कोका कोला भी वही बेच रहे हैं, सुपर इलेवन भी वही बेच रहे हैं, अमेरिकन पिस्ताचियोस भी वही बेच रहे हैं, और क्या ओकिनावा ओसाका का इन्वर्टर का एड चलता रहता है, नंबर वन वही है पाकिस्तान, ये तो है। तो वो है, मैं इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको ना बहुत ज्यादा, अगर आप रियलिस्टिक होंगे तो मेरा मानना है आप बेहतर होंगे,
आप बेहतर करोगे। अब यार उनके लिए भी बोल देते हैं ना बाबर आजम के लिए कि भी फ्लैट ट्रैक बोली है। अब केएल राहुल को भी मतलब कहा बोलते तो हैं, लोग तो बोलते हैं ना, मैं चाहे बात मानूं या ना मानूं, मैं तो बोलता हूं यार इज अ वेरी गुड प्लेयर, वेरी गुड बैट्समैन, बट ही हैज टू इंप्रूव फर्दर फर्दर। उनको हर कंडीशन में अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, हर ऑपोजिशन के साथ अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, हर बड़े टूर्नामेंट चैंपियनशिप में अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, तब शायद से उनको आप कहोगे कि यार ये अब आ गए हैं, दैट बाबर आजम ट्रूली बिलोंग्स देयर। ठीक है, वो है। और अब देखो शाहीन पाकिस्तान में यार, अब हमारी तरह, अब मैं तो कह रहा हूँ केएल राहुल और बाबर आजम इज अ फेयर असेसमेंट दोनों एक लीग में। केएल राहुल भी भाई टैलेंट के नाम पे केएल राहुल में भी कुछ नहीं था, बस क्या होता था बड़े टूर्नामेंट्स में जाते थे केएल और लोग उनके पीछे पड़ जाते थे। आज हाल अभी भी वर्ल्ड कप शुरू होना बाकी है, यानी मेन ड्रॉ जिसे बोलते हैं ना असली, जहां पे आप लोगों की नर्व्स पकड़ी जाएगी, वो अभी भी शुरू होना है। एक महीना पहले तक हर कोई कह रहा था कि यार ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड फिर इंडिया का नाम लिया जा रहा था, बट सडनली ना अब टोन में बदलाव आ चुका है लोगों को। बट अब आप देखिए होम कंडीशंस, और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है वो है फॉर्म, करंट फॉर्म को देखते हुए क्या सडनली ऐसा हो चुका है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को पछाड़ नंबर वन कंटेंडर और फेवरेट बन चुका है इस वर्ल्ड कप के लिए। कि लोग कह रहे थे कि इंडिया का तो टीम प्लेइंग 11 ही नहीं पता हमारी, तो इवन पाकिस्तान से जो है कि हमारी टीम तो पता है कि 11 कौन से खेलेंगे, बाकी बगल वाले मुल्क का तो पता ही नहीं कि 11 क्या है। आज हमें 11 भी पता है अपनी, 15 भी पता है, और ये भी पता है कि किस खिलाड़ी से क्या निकलवाना है। लेकिन दूसरी जो टीम है वो मुझे लगता है गिरी है पिछले दो महीनों में, हमने सही समय पर पीक करना होता है ना। ये मानना है कि अगर कभी भी आप ये वार्म अप गेम से जज मत करो या उससे पहले के मैचेस में, दे वर ट्राइंग आउट कॉम्बिनेशंस, एंड आई थिंक जिस दिन वो अपनी 11 उतारेंगे उनके पास डेप्थ, उनके पास ना उनकी खून में अब डिफरेंट तरह की क्रिकेट